हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी टूर एक्सप्लोर। आज की जो ये वीडियो है, यूपी के गाजियाबाद सिटी के मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम से मंगलसूत्र की डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। गोल्ड प्योरिटी है इनकी 22 कैरेट और ये कुछ साउथ इंडियन डिज़ाइन में बने हुए हैं। एंटिक वाला लुक है इनका, कुछ साउथ इंडियन लुक है इनका। तो ये डिज़ाइन मैं दिखाने वाली हूँ, इसकी डिटेल बताने वाली हूँ। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट यूनिक डिज़ाइंस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये भी डिज़ाइन मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, आज पहले ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो है इसका वेट है 16590 ग्राम और इसमें जो मेकिंग चार्ज है वो 20.9% का है। तो ये 3 लेयर में है, वैसे तो जब ड्रॉप एरिया की तरफ आता है तब ये इसमें 3 लेयर का ब्लैक बीड्स लगा हुआ है। और इसका जो पेंडेंट है वो प्रॉपर एंटिक वाला है। ड्रॉप में ग्रीन कलर का सिंथेटिक स्टोन है, वाइट कलर का इसमें जो स्टोन दिख रहा है ये भी फॉल्स स्टोन है, ये कोई कुंदन नहीं है। लेकिन लुक इसको बेटर करने के लिए ये स्टोन्स इसमें प्लेस कर दिए गए हैं। कुछ इसमें इनेमल वर्क भी दिखाई दे रहा है। और बाकी जब हम ऊपर की तरफ इसमें देखते हैं तो सिंगल लेयर ही है। कॉस्ट इसकी हो जाएगी 1,60,000 के करीब। जो दूसरा वाला है इसमें जो ऊपर का एरिया है उसमें गोल्ड बीड्स को यूज़ किया गया है बीच बीच में, और इसको 2-3 पार्ट में बनाया गया है। जैसे ड्रॉप एरिया में ये 3 लेयर में है, उससे ऊपर ये 2 लेयर में है। और इसका जो पेंडेंट है उस पर भी इनेमल वर्क है और रेड कलर का सिंथेटिक स्टोन है। ड्रॉप में भी एक कुंदन जैसा स्टोन लगा है बट ये रियल कुंदन नहीं है। 22.667 ग्राम इसका नेट वेट है। 19.9% का इसके ऊपर मेकिंग चार्ज है। 2,10,000 के करीब इसकी कॉस्ट है। जो थर्ड वाली है वो सेम डिज़ाइन में है, आप अगर ध्यान से देखें इसमें वेट का डिफरेंस है। तो ये दोनों ही डिज़ाइन बिल्कुल सेम मुझे लगी, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं लगा। वेट का थोड़ा सा है डिफरेंस, वेट इसका है 22.631 ग्राम इसका नेट वेट है और इसके ऊपर 22% का मेकिंग चार्ज है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इसके पहले वाले से इसकी कॉस्ट होगी 2,30,000 अप्रॉक्सीमेटली। ये वाला जो लास्ट वाला है ये 5 लेयर में है और देखिए काफ़ी चौड़ा सा इसकी स्ट्राइप्स लग रही हैं। इसमें ब्लैक बीड्स गोल्ड बीड्स को दोनों ही तरीके से यूज़ किया गया है और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत पसंद आया। इसका ड्रॉप एरिया जो है उसमें भी देखिए ब्लू कलर का सिंथेटिक स्टोन है, ऑरेंज कलर का सिंथेटिक स्टोन है, पिंक कलर का इसके ऊपर इनेमल वर्क किया गया है, एंटीक में बहुत बड़ा सा पेंडेंट है। वेट इसका 22.255 ग्राम है और मेकिंग चार्ज 15.9% का है। कॉस्ट इसका भी 2,10,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। सो गाइस, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जो सामने सेंटर में ये जो दो डिज़ाइन सेम है उसमें जो राइट साइड वाली है ना, अगर आप उसे परचेज़ करते हैं तो ठीक होगा, थोड़ा सा कॉस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा। वैसे डिज़ाइन दोनों सेम है, ये कोड रख लीजिए तो इसके थ्रू आपको ये वाली डिज़ाइन मिल जाएगी। 20,000 कम पे करना पड़ेगा आपको। ओवरऑल ये 150 से 2 लाख के बीच वाले मंगलसूत्र मैंने दिखाया जो काफ़ी हैवी हैं और इनकी जो लेंथ है वो 18 इंचेस है। ये लॉन्ग है लेंथ इनकी और डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अगर ये ट्रेडिशनल लुक वाला किसी को मंगलसूत्र चाहिए मालाबार से तो आप इसे ले सकते हैं मालाबार से कोड के थ्रू। और गाजियाबाद से ही हैं, वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं उस स्टोर पे, तो मेरे चैनल का आप रेफरेंस वहाँ पर ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।